अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम भाइयों का? उम्मीद है सब मेरे भाई ठीक ठाक होंगे और आप भाइयों के परिंदे भी अच्छे होंगे। भाइयों, अभी ये कबूतर खोले हुए जोड़ों वाले, रात का टाइम है तकरीबन, तो खैर ये सब हिले हुए कबूतर हैं और उड़े उड़ाए हुए कबूतर हैं और अब इनको मैं रेगुलर खोलता नहीं हूँ, इसलिए रवा भी नहीं है। तो ये कबूतर खोले हुए माशाल्लाह से, दाना वाना सब कुछ इन्होंने खाया पिया हुआ है, सब चीज़ें फिट हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खोलने का इनको ये मकसद है कि तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट सभी जोड़ों ने भी रिसेंटली बच्चे निकाले, तकरीबन 3 से 4 दिन हुए हैं। तो इनको मैं चने वने कुछ भी नहीं डाल रहा था क्योंकि जोड़े तोड़ के दोबारा नए सिरे से लगाए थे, रेस्ट पे थे सब, तो दोबारा भी जोड़े लगाए थे, सिर्फ बाजरे पे थे कबूतर। और इनको मिक्स दाना भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, जो मैं जोड़ों वाला देता हूँ वो इसलिए नहीं किया कि बच्चे जो हैं अभी तकरीबन 2-3 दिन के, तो जब तक बच्चे 1 हफ़्ते के नहीं होते मैं बाजरे पे ही रखता हूँ कबूतरों को, ठीक है ना। मोटा दाना यूज़ नहीं करता, एक तो ये है कि हमेशा मोटा दाना खाने से कबूतरों की जो है ना वो चाहत जो होती है ना दाने के पीछे दौड़ने की, वो कम हो जाती है। तो इसलिए इनको जो है मैं सिर्फ बाजरे पे रखा हुआ है, बच्चे निकालते हैं तो फिर मोटे दाने पे ले आता हूँ। लेकिन इन 1 हफ़्ते के पीरियड में, इस ड्यूरेशन में मैं इनको जो है कबूतरों को रोटी जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करवाता हूँ। अब शाम के टाइम इनको दाना डाला था, ये आप देख सकते हैं ट्रे में भी बाजरा पड़ा है, बोतल थोड़ी गंदी हो रही है, ऊपर से गंदी है क्योंकि अंदर ही पड़ी रहती है, अंदर से सही है। तो खैर ये दाना उनको पड़ा हुआ था, दाना मैंने अभी बाहर हटा दिया और जो है रोटी, ये आप देख सकते हैं कि रोटी में तकरीबन 1 रोटी लाया था जो मैंने इनको खिला दी है, तकरीबन ये बची है, ये मैं भी थोड़े से जो है ना ये तोड़ के इसके पीसीस करके इस केज में डाल दूँगा, तो इनको मैंने खिला दी है। तो तकरीबन इनको 1 रोटी में तीसरा दिन है मैं इनको डेली दे रहा हूँ रात में बाजरे के अलावा, ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो सही रहे। और माशाल्लाह दो बच्चे सपने निकाले हुए और एक सेम साइज़ के बच्चे, खैर अभी तो छोटे हैं, अभी तक 3-4 दिन में बच्चे का इतना पता नहीं चलता, लेकिन माशाल्लाह से एक बराबर ही आ रहे हैं। तो एक तो काफ़ी टाइम से रेस्ट पे थे कबूतर, उसकी वजह से कबूतर जो है ब्रीडिंग से फेड ऑफ नहीं है, बच्चों को भराई अच्छी करेंगे। सेकेंडली मोटा दाना इनको मैं यूज़ ही नहीं करा रहा था क्योंकि बारिशों का मौसम भी था, दाना स्टोर में कर नहीं रहा था, उतना ही ला रहा था जो मैं यूज़ कर सकूँ 10 दिन में। वैसे मैं मंथली लेकर आता हूँ, इस बार मंथली नहीं ला रहा था और मोटा दाना तो बिल्कुल मैं लाया ही नहीं, तो जोड़े क्योंकि सब टूटे हुए थे। तो अब जैसे जैसे बच्चे कबूतर निकाल रहे हैं तो इनको भी रोटी यूज़ करा रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी एक से दो दिन में मोटा दाना जो भी है वो सब मैं ले आऊँगा, जिसमें चना है और सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के बीज, खुरतम, मकई, गंदम और बाजरा तो है ही है, फिर प्लस उसमें गर्मियों में थोड़ी सी सरसों ऐड करता हूँ। अब मौसम जैसा कि आपको पता है कि रात में जो है ना ठंडा होना शुरू हो गया, तो अब उसमें तकरीबन एलसी का इस्तेमाल करूँगा, तो बिल्कुल मामूली से इस्तेमाल होता है एलसी का क्योंकि वो बहुत गर्म होती है, बहुत हीट देती है। और इस केज में मैंने बल्ब भी जो है ना येलो वाला लगा दिया है, ठीक है, अभी इस पर भी येलो कर दूँगा, ये वाइट बल्ब ऊपर वाले पिंजरों में चला जाएगा, तो इनको जो है थोड़ा हीट में रखेंगे इंशाल्लाह सर्दियों में पूरा। अभी तो खैर बड़ा टाइम है सर्दी में, लेकिन शाम में जो है ना मौसम चेंज हो जाता है तो ठंडा गर्म होता है, उसकी उससे बेहतर है कि हम अपनी प्रिकॉशन पहले से करके रखें। तो माशाल्लाह कबूतर फुल है खाए पिए हुए और फिर भी जो है ना रोटी की तरफ भाग भाग कर आ रहे हैं, तो इसलिए कि उन्होंने बच्चे निकाले हुए। तो अगर मैं डायरेक्ट इनको मोटा दाना पूरा सीज़न देता रहूँगा तो फिर इनकी जो है ना ये चाहत ख़त्म हो जाएगी दाने पे आने की, जो मैं चाहता नहीं हूँ। ये माशाल्लाह से कबूतर आप देख सकते हैं मेरा कलों का, इसका मैंने एक वीडियो में शो कराया था ऊपर आपको, अंडे इसने भी अंडे दिए हैं, बाकी दूसरे सब ने बच्चे निकाले हुए। आओ आओ आओ, ये देखो, आओ 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 आओ, आओ। तो ये तकरीबन रोटी के पीछे सारे भाग भाग के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए, आओ आओ आओ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं भाइयों अच्छी ब्रीडिंग के लिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है ना कोई फॉल्ट नहीं आता बच्चों में, बच्चों की बराई हर चीज़
पलाई वगैरह हर चीज़ अच्छी होती है। जो दो चार जोड़े लगे हुए थे बारिशों में, उनके बच्चे भी मैंने अलग किए हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसमें से एक दो बच्चे काफ़ी वीक हैं, क्योंकि मौसम की थोड़ी मार थी और ध्यान भी नहीं था कबूतरों पर, बिल्कुल भी तवज्जो कम थी। तो अब जब जोड़े लगाएं तो इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम भी दे रहा हूँ उनको, इंशाल्लाह फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको पता है रात में मैं फिर ना इनको पानी वानी भी सिरिंज से देना स्टार्ट कर देता हूँ। खैर अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी जो है अपने माँ बाप की फीड के ऊपर है, वो बाद का प्रोसेस है, इंशाल्लाह बाद में वो चीज़ें करेंगे। और इनके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इनके दाने के अंदर जो मैं बाजरा इनको सिर्फ यूज़ करा रहा हूँ, डेली बेसिस पे सिर्फ बाजरा ही नहीं होता, मतलब होता बाजरा ही है, लेकिन बाजरे के ऊपर एवियन के जो 400 mg के कैप्सूल हैं तकरीबन दो, वो और दो जो हैं फिश ऑयल वाले, ये मैं आगे से उसके ऊपर होल करके या कैंची से आप काट सकते हैं और वो दाने के ऊपर उसको डाल दें किसी बर्तन में थोड़ी देर, और उस बर्तन को अच्छे से हिला लें, हाथ नहीं लगाएं क्योंकि ऑयल जो है ना हाथों से लग जाएगा, हाथों पे ऑयल नहीं लगाना, ऑयल को दाने के ऊपर लगाना है। तो वो उनको यूज़ करवा रहा हूँ ब्रीडर पिजन्स को। ये मैं परवाजी कबूतरों को भी जब हम परपटाई करते हैं तब देते हैं, तो इसका बड़ा बेनिफिट है भाइयों, कबूतर माशाल्लाह एक तो तर भी रहते हैं, ताज़ा रहते हैं, उनका उनके जितने भी मल्टी वाइटामिनस हैं वो सब पूरे रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ये जो है ना माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो अगर ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके ब्रीडर्स पिजन्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे एक जैसे पल कर आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से के हुक्म से। तो खैर हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सारे तमाम प्रिकॉशन जो मैं करता हूँ, बाकी इनको जो पानी दे रहा हूँ वो भी हफ्ते में एक दफ़ा मैं जो है ना एप्पल विनेगर उसमें यूज़ करता हूँ, चाहे वो ये वाले कबूतर हों चाहे ऊपर वाले हों, क्योंकि बारिशों के बाद से भी जो मौसम है इसमें फंगस अभी तक है। तो जब तक फंगस वाला सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह अक्टूबर के मिड के बाद सर्दियों में भी फिर यूज़ करेंगे, फिर उसका यूज़ कम हो जाएगा, महीने में एक दफ़ा 15 दिन में एक दफ़ा ऐसे चला जाएगा। लेकिन अभी वीकली बेसिस पर मैं एप्पल विनेगर यूज़ कर रहा हूँ सेब का सिरका, उससे माशाल्लाह कबूतरों का हाजमा बहुत फिट रहता है, बहुत फिट फाट रहते हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कबूतर तमाम के तमाम बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव है। ऊपर वाले भी वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, ये नीचे के भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से और फिट फाट घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, कोई इतनी बड़ी फनकारी नहीं है, जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जब शुरू से बढ़ाई होगी, उसके पेरेंट्स जब हेल्दी रहेंगे तो जो इंशाल्लाह बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, और जो हेल्दी बच्चे पलकर आते हैं ना फिर उनका रिज़ल्ट ही अलग आता है, फिर आपको पता भी चल जाता है अगर किसी जोड़े का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। अगर आपका बच्चा बराई से ही टूटा हुआ है, दाने की मार से बड़ा हुआ है, तो फिर आप उसके ऊपर ये जो है ना ब्लेम नहीं कर सकते कि उसके माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया। सबसे पहले आपको उसकी ग्रोथ को बड़ा ख्याल करना है, बच्चों को पोक से बचाना है, बच्चों को हर किस्म की बीमारी से बचाना है, बच्चों की ग्रोथ एक बराबर होनी चाहिए ताकि फिर आपको उसका रिज़ल्ट तभी पता चलेगा। तो ये छोटी सी टिप्स ही मैंने कहा छत पे बैठा हुआ हूँ आप भाइयों के साथ शेयर करूँ। और ये माशाल्लाह से अभी ये वाला कबूतर मैंने इसके साथ जो पहले मादा लगी हुई थी ना, ये काला चीना कबूतर, इसके साथ जो पहले मादी थी बहुत अच्छे बच्चे उड़ा रही थी, उसके साथ इसके 10-12 बच्चे हैं, ये कलदूमी इसकी माँ। तो ये कलदूमी कबूतरी अब मैंने इसके साथ लगाई हुई है, पहले इस कलदूमी की माँ इसके साथ लगी हुई थी, लेकिन वो कलदूमी जो है किसी और बाप से, इस नर से नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि यही इसका बाप है, इसकी माँ से ये 1 साल तक लगा रहा है, 1.5 साल तक बहुत अच्छे बच्चे उड़ाए, लेकिन वो उससे पहले जिसके साथ लगी हुई थी उसके साथ पटी है। तो थोड़ा सा कबूतरों को मैं पेयर मैंने चेंजेस किए हैं और वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ माशाल्लाह से। उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, पहले से भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये कबूतर है, किसी दिन आपको उसको प्रॉपर शो कराऊँगा, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हाई फ्लायर कबूतर है, ये मेरे पास गिफ्ट आया था कहीं से, तो इसका मैं आपको बताऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। ठीक है भाइयों, इंशाल्लाह फिर अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लंबी हो रही है, तो फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।